हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे सोयाबीन और आलू की सब्जी। ये दोनों खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती है। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन को 10 मिनट गर्म पानी में भिगो दिया था ताकि ये जल्दी भीग जाए। और यहाँ पे मैंने लिया बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर और स्प्लिट की हुई हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम हमारी सोयाबीन को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आयरन की कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और इसको हम फ्राई करेंगे। हम फ्राई तब तक करेंगे सोया चंक्स को जब तक ये अच्छी ब्राउन कलर की ना हो जाए। तो ब्राउन कलर की होने के बाद इसको हम बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने इनको बर्तन में निकाल दिया है। इसके बाद हम फिर से ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। उसमें हम ऐड कर देंगे जीरा। जीरा डालने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे स्प्लिट हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च ली थी जिसको मैंने स्प्लिट कर लिया था। तो आपको जितना, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था प्याज। प्याज को हल्का भूनने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड हींग। हींग इन सभी को भूनने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया टमाटर। टमाटर को मैंने बारीक काटा हुआ था, इसको मैंने पीसा नहीं था। आप चाहें तो इसकी प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं हमारे स्पाइसेस। मैंने सबसे पहले मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर एंड गरम मसाला। सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पर गरम मसाला डालूँ और इसको हम थोड़ा सा चला देंगे। इसमें मैंने डाल दिया है नमक। इसके बाद हम इसको अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे। हम मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से हमारा जो ऑयल है वो बाहर नहीं आ जाता। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ऑयल है बाहर आ चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी हम इसमें मैंने गर्म होने पहले ही रख दिया था, वही पानी डाला है मैंने ताकि जो हमारे सब्जी को है वो झटका ना लगे, तो इसलिए मैंने गर्म पानी ही डाला है। तो अब मैंने इन दोनों चीज़ों को डाल दिया है और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो हमारी सब्जी जो बने ना अच्छी सी और खुशबूदार सब्जी। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद हमारी सब्जी का कलर कुछ ऐसा हो गया है। तो 5 मिनट के लिए इसे हम और रखेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे धनिया। आप देख सकते हैं 5 मिनट बाद कुछ ऐसी थी। और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है धनिया। धनिया को हम अच्छी तरीके से थोड़ा गलने देंगे और आप देख सकते हैं हमारी जो सोया बड़ी की सब्जी कितनी अच्छी सी बनी हुई है और कितनी प्यारी, कितना प्यारा कलर आया हुआ है। आप ये सब्जी ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। ये बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती है और हेल्थी भी होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए